दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस देखने को मिलती हैं, जो अपनी दमदार एक्टिंग और अदाओं से दर्शकों का दिल जीतती हैं। ये अभिनेत्री और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं जब ये दुल्हन का किरदार निभाती हैं और ये ब्राइडल लुक में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। वहीं अगर दुल्हन बनी चाइल्ड एक्ट्रेस दिखती हैं तो वो और भी ज्यादा प्यारी लगती हैं, जिन्हें दर्शक बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि ये ब्राइडल लुक में इतनी क्यूट जो नजर आती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि वह चाइल्ड एक्ट्रेस कौन सी हैं जिन्होंने निभाया अपने सीरियल में दुल्हन का किरदार, जिसमें ये बेहद क्यूट और खूबसूरत नजर आई थी। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी सीरियलों की उन्हीं चाइल्ड एक्ट्रेस से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही निभाया था दुल्हन का किरदार। नंबर एक, महिमा मकवाना। इस लिस्ट की पहली कड़ी में नाम शुमार होता है महिमा मकवाना का, जो सीरियल वाली का वधु में गोरी के किरदार में नजर आई थी, जिन्होंने अपने सीरियल में शादी पर हल्के जामनी कलर का लहंगा, जो बेहद खूबसूरत मोतियों से कड़ा हुआ था, हैवी लहंगे और ज्वेलरी के साथ महिमा मकवाना बेहद क्यूट लग रही थी कि दर्शक तो इन्हें देखते ही रह गए थे। नंबर दो, अनुष्का सेन। कलश टीवी पर प्रसारित हुआ शो झांसी की रानी में नजर आई अभिनेत्री अनुष्का सेन भी अपनी शादी पर किसी से कम नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इन्होंने अपनी शादी पर मराठी लुक साड़ी पहनी थी, जिसके साथ इन्होंने काफी हैवी ज्वेलरी कैरी की थी। इसके साथ इन्होंने बालों में गजरा मांग टीका था, जिस वजह से अनुष्का सेन बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। नंबर तीन, आशिका भाटिया। एक्ट्रेस आशिका भाटिया ने सीरियल मीरा में मीरा की भूमिका निभाई थी, जिसमें ये ब्राइडल लुक में काफी सुंदर लग रही थी। रेड कलर के लहंगे के साथ राजस्थानी ज्वेलरी पहने हुए वाकई बेहद क्यूट नजर आ रही थी, इसलिए इनके इस लुक को देखकर सभी दर्शक हैरान रह गए थे। नंबर चार, रोशनी वालिया। इस लिस्ट की चौथी कड़ी में नाम शुमार होता है एक्ट्रेस रोशनी वालिया का, जो सीरियल महाराणा प्रताप में युवा महाराणा प्रताप की पत्नी अजब देव पनवर के किरदार को निभाती नजर आई थी। वहीं अगर बात करें इनके ब्राइडल लुक की, तो इन्होंने अपनी शादी पर रेड कलर का लहंगा, हैवी ज्वेलरी पहनी थी। इतनी हैवी ड्रेस में ये बेहद सुंदर लग रही थी। नंबर पाँच, उल्का गुप्ता। मणिकर्णिका की भूमिका निभाती नजर आई थी अभिनेत्री उल्का गुप्ता। ये दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। ये मराठी लुक ग्रीन साड़ी में रेड कलर की शॉल डाले बेहद क्यूट नजर आ रही थी, और ग्रीन चूड़ी गोल्डन ज्वेलरी पहने ये खूबसूरत मराठी नवरी लग रही थी। नंबर छह, औरा भटनागर। सीरियल बैरिस्टर बाबू में नजर आ चुकी एक्ट्रेस औरा भटनागर इस सीरियल में ये बोंदीदा के किरदार में नजर आई थी। इन्होंने अपनी शादी में बंगाली लुक रेड कलर की साड़ी पहनी थी, और कुमकुम से सजा इनका माथा गोल्डन ज्वेलरी में ये बेहद सुंदर लग रही थी। इनके इसी लुक के दर्शक तो दीवाने हो गए थे। नंबर सात, रुहाना खन्ना। इस लिस्ट की सातवीं कड़ी में नाम शुमार होता है एक्ट्रेस रुहाना खन्ना का, जिन्होंने सीरियल गंगा में छोटी गंगा की भूमिका निभाई थी। इन्होंने रेड कलर के लहंगे के साथ हैवी ज्वेलरी कैरी की थी, साथ ही इनके खूबसूरत लुक पर इनकी स्माइल तो गजब ढा रही थी। नंबर आठ, अदिति जालडारे। पुण्यश्लोक अहिल्या बाई सीरियल में अहिल्या बाई का किरदार निभाती नजर आई थी एक्ट्रेस अदिति जालडारे। इन्होंने अपने सीरियल में शादी के दिन मराठी लुक ग्रीन साड़ी के साथ पिंक शॉल डाली, माथे पर कुमकुम लगाए, नॉर्मल ज्वेलरी पहनी, बेहद सुंदर नजर आ रही थी। नंबर नौ, अविका गौर। अपने बचपन में ही दुल्हन के किरदार निभाने वाली चाइल्ड एक्ट्रेस की बात हो तो भला हम अविका गौर को कैसे भुला सकते हैं, जिन्होंने सीरियल वालिका वधू में छोटी आनंदी का किरदार निभाया था, जिसमें इन्होंने रेड कलर का लहंगा पहना था और साथ ही मेहरून कलर की ज्वेलरी में ये बेहद क्यूट नजर आ रही थी। नंबर दस, श्रेया पटेल। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार होता है श्रेया पटेल का, जो जल्द ही सीरियल वालिका वधू 2 में आनंदी का किरदार निभाती नजर आने वाली हैं। रेड कलर के लहंगे के साथ गोल्डन ज्वेलरी में ये बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, आपको इन 10 चाइल्ड एक्ट्रेस में से कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा सुंदर लगी अपनी शादी के जोड़े में, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।